भारतीय सेना और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO ने 4 साल बाद अपनी ताकतवर इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल Agni-4 का सफल परीक्षण किया है। ये टेस्टिंग ओडिशा के चांदीपुर स्थित APJ अब्दुल कलाम आइलैंड पर किया गया। ये तीसरी पीढ़ी की सबसे अत्याधुनिक और मारक मिसाइल है जो कि केवल 20 मिनट में ही चीन पाकिस्तान के किसी भी शहर को उड़ा सकती है। परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम इस मिसाइल से 4000 किलोमीटर दूर तक मार किया जा सकता है। रक्षा मंत्रालय ने एक संक्षिप्त बयान जारी करते हुए कहा कि Agni-4 का सफल परीक्षण भारत की क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस यानी विश्वसनीय न्यूनतम प्रतिरोधक क्षमता नीति की पुष्टि करता है। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक Agni-4 का परीक्षण शाम 7:30 बजे किया गया। ये एक रूटीन ट्रेनिंग टेस्ट था जिसे SFC के तत्वाधान में किया गया। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक इस लॉन्च से अग्नि मिसाइल के ऑपरेशन पैरामीटर के साथ साथ मिसाइल सिस्टम की विश्वसनीयता भी दर्शाती है। अब आपको बताते हैं कि आखिर क्यों Agni-4 मिसाइल से चीन और पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। दरअसल Agni-4 अग्नि सीरीज की चौथी श्रेणी की मिसाइल है जिसे DRDO ने तैयार किया है और इसकी रेंज करीब 4000 किलोमीटर है। ये जमीन से जमीन पर प्रहार करती है, साथ ही ये परमाणु हथियार ले जाने में भी सक्षम है। Agni-4 मिसाइल 20 मीटर लंबी और 1.5 मीटर चौड़ी है। इस मिसाइल का वजन 17 टन है। ये मिसाइल 1000 किलो वजन तक विस्फोट ले जाने की क्षमता रखती है। ये भारत के स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड की अग्नि मिसाइल परीक्षा की चौथी खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइल है। इस मिसाइल का कई बार परीक्षण हो चुका है। इस मिसाइल का सुबह, दोपहर और रात में भी परीक्षण किया जा चुका है। सबसे पहले 11 दिसंबर 2010 को इसका परीक्षण किया गया था। इसके बाद पिछले साल DRDO ने सतह से सतह तक मार करने वाली बेहद शक्तिशाली बैलिस्टिक मिसाइल Agni-5 का सफल परीक्षण किया था। ओडिशा स्थित APJ अब्दुल कलाम द्वीप से इस मिसाइल को 27 अक्टूबर 2021 को लॉन्च किया गया था। भारत में हो रहे इन हाईटेक मिसाइलों के सफल परीक्षण से ही पड़ोसी देश पाकिस्तान और चीन की नींद उड़ जाती है। Nine, one, two, three, four, five, six, seven.